जय मसीह की दोस्तों, मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज बहुत सारे जो यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करते हैं, एक सवाल करते हैं, अगर वो यीशु मसीह परमेश्वर होता तो अपने आप को क्यों नहीं बचा पाया। तो क्या सच में यीशु मसीह कमज़ोर था, असहाय था, शक्तिहीन था या सामर्थ्यहीन था? क्या कारण था कि यीशु मसीह ने अपने आप को नहीं बचाया? आज हम इस विषय को देखने जा रहे हैं दोस्तों कि सच में यीशु मसीह ने अपने आप को क्यों नहीं बचाया और क्यों यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा। तो हम इस विषय को जानें, आइए हम सब इस विषय को जानने के लिए अंत तक इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों, आज बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, यदि यीशु मसीह परमेश्वर था तो अपने आप को क्यों नहीं बचा पाया? तो हम क्या यीशु मसीह को कमज़ोर समझें, असहाय समझें, शक्तिहीन समझें? क्यों यीशु मसीह ने अपने आप को नहीं बचाया? आइए हम देखें इस वचन को। जब हम कुरिन्थियों की पुस्तक में देखते हैं तो वहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसका 9 वचन अगर आप देखोगे तो वहाँ पर देखोगे, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल होने हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो दोस्तों, यहाँ पर वचन स्पष्ट कहता है कि सच में वो यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम धनी बन जाए, क्योंकि हम आत्मिकता में कंगाल थे, हम गिरे थे। वो यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम धनी बन जाएं। और जब हम यीशु मसीह के विषय में देखें तो वहाँ पर जिस रात्रि यीशु मसीह पकड़वाया जाने वाला था, जो लोग यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे, सैनिक और मशाल को लेकर रात्रि के समय में जब आए थे, तो वो यीशु मसीह को ढूंढने लगे। और यीशु मसीह ने उनसे पूछा, उनको जब उनको देखा कि वो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए हैं, तो यीशु मसीह ने उनसे एक सवाल किया, तुम किसे ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा, हम यीशु नासरी को ढूंढ रहे हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं हूँ। जैसे यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ, तो वो लोग पीछे की ओर हटकर गिर पड़े। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर क्या कहोगे, क्या यीशु मसीह सामर्थ्यहीन है, क्या शक्तिहीन है, क्या कमज़ोर है? नहीं, यहाँ पर यीशु मसीह जब मैं हूँ कहा तो सब गिर पड़े। इसका मतलब ये है कि वो लोग अपने अधिकार से, अपनी सामर्थ्य से यीशु मसीह को नहीं पकड़ सकते थे। यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को उनके हाथ में दे दिया, क्योंकि जब यीशु मसीह ने मैं हूँ कहा तो वो सब गिर पड़े थे और वो इस योग्य नहीं थे कि वो यीशु मसीह को पकड़े। तो आज बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, यीशु मसीह अपने आप को क्यों नहीं बचा पाया? तो सबसे बड़ा कारण ये था, यीशु मसीह ने अपने आप को उनके हाथ में सौंपने का जो सबसे बड़ा कारण ये था कि वो हमारे पापों के लिए, जो मनुष्य ने किया है, उन गुनाहों को बार अपने ऊपर उठाना था और हमारे लिए क्रूस पर चढ़ना था और हमारे लिए मारा जाना, गाड़ा जाना निश्चय था। क्योंकि यीशु मसीह ने इस विषय में पहले भविष्यवाणी की थी और कहा था कि मनुष्य के पुत्र का मारा जाना, गाड़ा जाना और जीतना ज़रूरी है। तो दोस्तों, यीशु मसीह इसीलिए मरा ताकि हम जिंदा रहें, ताकि हम अनंत काल के बागी हो सके। तो जब हम यहाँ पर इस वचन को देखते हैं दोस्तों, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 53 वचन में भी, और यहाँ पर यीशु मसीह ने एक जवाब दिया अपने चेले को, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा, परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है, कैसे पूरी होगी? तो दोस्तों, यहाँ पर यीशु मसीह कमज़ोर नहीं है, असहाय नहीं है, बल्कि यीशु मसीह ने अपने आप को स्वयं अपनी इच्छा से सौंपा ताकि हमारी भलाई हो। वो लोग जो यीशु मसीह को समझते हैं कि परमेश्वर होकर भी अपने आप को नहीं बचा पाया, तो उनके लिए एक जवाब है, अगर वहाँ पर यीशु मसीह अधिकार नहीं देता तो वो लोग यीशु मसीह को नहीं पकड़ पाते। लेकिन ये यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को सौंपा, क्योंकि हम जानते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये बाइबल कहती है। हम सभी मनुष्यों ने पाप किया था और उसकी मजदूरी मृत्यु थी, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह है उसने कोई पाप नहीं किया। दोस्तों, यीशु मसीह ने हमेशा भले काम किए और वही किया जो अच्छा है, लेकिन हम सभी पापियों को एक दिन सजा तो मिलनी ही थी, पाप की सजा तो मृत्यु थी और वो मृत्यु अनंत काल की मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप की सजा को अपने ऊपर ले लिया और हमें उस दूसरी मृत्यु से, उस अनंतकाल की मृत्यु से हमें बचा लिया। तो यीशु मसीह कमज़ोर बना ताकि हम धनी बन जाएं। यीशु मसीह ने अपने आप को मारा ताकि हम जीवन पाएं। तो एक सच्चा, जो शक्तिशाली,
सर्वशक्तिमान और पवित्र परमेश्वर है वो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह अपने आप को बचा सकता था लेकिन यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को दे दिया। तो दोस्तों इस बात को हम समझ गए हैं कि यीशु मसीह कमजोर नहीं, शक्तिहीन नहीं, वो सामर्थ्य है। ऐसा परमेश्वर है जो शक्तिशाली होकर भी, सामर्थ्य होकर भी, धनी होकर भी अपने आप को कंगाल किया, अपने आप को छोटा किया और हमारे लिए अपने आप को सौंप दिया। तो क्यों ना दोस्तों हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमारे लिए अपने आप को कमज़ोर, अपने आप को कंगाल किया। वो केवल यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिले। मैं विश्वास करता हूँ आप इस वचन को समझ चुके होंगे, और यदि आपको और भी इसके विषय में और जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। प्रभु यीशु मसीह, तो आपने इस वीडियो का अंत तक देखा। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहे। और यदि आप चाहते हैं किसी प्रकार नई से नई वीडियो आती रहे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहे। आमीन। यू आर वॉचिंग टू गॉड चैनल। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपडेट।